जय हिंद जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष होमगार्ड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, सबको प्रदेश के जवानों को और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को अवगत कराना कराता चलूँ कि देखिए कितना बेखौफ होके ये मौत, एक मासूम बच्चे की मौत के सौदागर कमांडेंट मिर्जापुर बीओ सुखचंद मिश्रा मिर्जापुर, इन देखिए एक 9 साल के बच्चे की किस तरीके से हत्यारा एक होमगार्ड ओम प्रकाश यादव, जो उसको दया नहीं आई, जो पूरी तरीके से वो बच्चे ने दुनिया नहीं देखा, पैसे के लालच में सोनभद्र से किडनैप करके और मिर्जापुर लाया। मिर्जापुर में उससे पैसे की फिरौती मांगने पर, ना देने पर उस बच्चे को गला दबा के मार दिया और भूसे में दबा दिया, 2 दिन दबा रहा और उसके बाद घर से निकाल के एक खड़हल के पीछे तालाब था उसमें जाके दबा दिया, जिसका देखिए मेरे पास पूरा ये आया है, पूरा आरोप पत्र आ गया है सोनभद्र से। ये देखिए पूरी तरीके से ये, और देखिए ये किस तरीके से कितना घृणित कार्य किया है। ये देखिए ये है, अब इसके पर देखिए ये है, इसके पर दफाए लगी हैं 302 384 201 34 120 B के तहत ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये सब देखिए नकल है, ये सब नकल है। ये देखिए 9 महीने बाद आया, जब ये देखिए अच्छी तरीके देख लीजिए टिक लगा है ओम प्रकाश यादव का, ये देख लीजिए। वहां से हाई कोर्ट से बेल करा के 9 महीने बाद आया। ये देखिए पूरा मोटा ये आरोप पत्र है, ये आरोप पत्र है, करीब करीब 150 पन्ने का है, पूरा आरोप पत्र आ गया है। ये मौत के सौदागर, लोगों को दया नहीं आई, उस बच्चे का भी सौदा कर लिया, दया नहीं आई और उस होमगार्ड को से 2 लाख रुपए लेके बीओ सुखचंद मिश्रा सौदा कराया 2 लाख पे और उसको बहाल कर दिया। और ये देखे NIC ड्यूटी, टू व्हीलर पुलिस लाइन ड्यूटी लगा दी गई उसकी, और लगा करके और उसकी हमें भनक लग गई तो हम पूरा कागज मंगाए हैं, पूरा आरोप पत्र दाखिल है, जो शासनादेश है जिसका आरोप, इसमें आजीवन भी हो सकता है, इसमें मौत की भी सजा हो सकती है। इसके बावजूद इन लोगों ने दया धर्म पैसे के आगे बेखौफ होके कमांडेंट मिर्जापुर विनोद सिंह मौर्या, इन्होंने 2 लाख में सौदा करके उसको बहाल कर दिया, उस बच्चे को नहीं देखे कि इसने मासूम बच्ची की हत्या कर दिया है। अपने इसके बच्चे जिसके होते दया धर्म होता है, और फिर ये कानून का अपराध किया है, ये कमांडेंट भी अपराध किया है, बीओ भी अपराध किया है, और अब उसको जब लगा तो दोबारा तत्काल उसको जब भनक लगी, बड़े अधिकारियों तक बात पहुंची तो इन्होंने उसको फिर सस्पेंड करके बैठा दिया है। ये देखिए का बेभय होके किस तरीके लूटा जा रहा, इन भेड़ियों को देख लीजिए, इन काले कारनामे देख लीजिए, पूरे देश के, पूरे प्रदेश के जवान और जनता देखिए, इन होमगार्ड कमांडेंट सौदागर जो इसने सौदा कर लिया उस बच्चे का, कफन तक कफन पर इसने सौदा किया है,
बताइए इसको दया धर्म है, इसके क्या बच्चे नहीं है परिवार में, इसको दया नहीं आई, ऐसे जवान नहीं, इसका पुराना गैंग है सुना है मैंने, ये काफी कुछ कार्य किया है गलत, आज खुला है इसका एक गैंग है जो 4-5 बाहर के प्राइवेट हैं और ये फिरौती लूट घसोट और सुपारी लेके हत्या करना इसके ओम प्रकाश यादव के दिन चर्चा में लिखा है। और इसका भाई एक ओम प्रकाश एक और है इसका भाई जो कमांडेंट का चालक है। अब देखिए इससे घृणित और क्या कार्य हो सकता है, कोई अधिकारी और मंत्री समेत इस पे कतई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये सब के सब जो प्रदेश में गलत तरीके लूटा जा रहा होगा और जो तमाम आपराधिक प्रबंध के हैं जिनका सौदा करके उनको बहाल करते हैं और वाकई में जो 6 साल से लेके 7 साल तक हैं उनको बहाल करने का उसमें आदेश है, उनको बहाल नहीं कर रहे हैं। जिससे पैसा पाया जा रहा उसको बहाल किया जा रहा और जिससे पैसा नहीं मिल रहा उसको बहाल नहीं किया जा रहा है। सही का गलत और गलत का सही कर रहे हैं। देखिए स्वयं बन गया कानून ये कमांडेंट, कहा जाए एक हिसाब से हत्यारा वो उससे बड़ा गुनाहगार ये कमांडेंट है जिसको इसने उस होमगार्ड जवान को बहाल किया, उससे ज्यादा रोल इसका दिखाई पड़ रहा उस बच्चे की हत्या में। ये देखिए किस तरीके से इनका दया धर्म पैसे के आगे सब भुला गए, बेखौफ होके लूट रहे हैं और सौदा कर रहे हैं, इनको पैसा चाहिए। तो ये देखिए इनके कार्य, मैं पूरे प्रदेश के जवानों से कह रहा हूँ और मिर्जापुर के जवान जो 6 से 7 साल के बीच में हैं सभी लोग अपने शासनादेश को लगा दें, यदि बहाल नहीं करते हैं तो मैं इनको खड़ा कर दूंगा कोर्ट में। वैसे इसमें मैं मांगने जा रहा हूँ किस अधिकार के तहत उसको बहाल किया गया, ये कानून का उल्लंघन सीधा किया है। और जिनको अपना यज्ञ न मालूम हो, संविधान न मालूम हो, कानून न मालूम हो, ऐसे बेकार क्वालिटी के अधिकारी को ऐसी कुर्सी देना, हम तो जानते हैं सर्व खुलम खुल्ला ये कानून का और वो कुर्सी का दुरुपयोग कर रहा है ये कमांडेंट। और वो बीओ कम से कम 20-25 साल से एक ही जगह मिर्जापुर में है, उसका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, बल्कि वहाँ पर बीओ एक महा लुटेरा महा भ्रष्टाचारी ज्ञानेंद्र सिंह को सिफारिश की जा रही, रंजीत सिंह यानी दैत्य गुरु जैसे शुक्राचार्य वैसे भ्रष्टाचारियों के गुरु रंजीत सिंह ये सिफारिश कर रहे हैं कि उसको मिर्जापुर में लाइए। उसके कहते हुए संतोष चारी DIG प्रयागराज भी उसमें सिफारिश कर रहे हैं यदि इस पे ट्रांसफर करके लाएं। और ये एक लड़की थी उससे अपने घर पे लगाया, इतना काम कर ले लिया कि उसका पेट में बच्चा था वो डिसमिस हो गया। तो वो सोचिए एक हिसाब से उसके बच्चे के मासूम बच्चा जो धरती पर नहीं आया उसकी भी हत्या कर दिए। वो काफ़ी बात उठाई गई लेकिन सिर्फ उसका ट्रांसफर हुआ और होना चाहिए था उस ज्ञानेंद्र सिंह के पर मुकदमा सीधा सिर्फ बच्चे की हत्या सिंह किया, जबरदस्ती लगा दिया, उसने मिन्नत किया, उसने हाथ जोड़ा मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, उससे इतना घर का कार्य लिया गया कि उसका बच्चा दुनिया पे ना आके दुनिया पे आने से पहले ही दम तोड़ दिया। तो ये देखिए कितना घृणित कार्य किया गया है मिर्जापुर में हो रहा है। तो ना इस पे तो हमारे महान जिनको कहा जाता है मंत्री महोदय ध्यान नहीं दे, प्रमुख सचिव क्या वो भी हाथ धरे हैं भ्रष्टाचारियों पर, पैसा मिलना चाहिए कैसे भी मिलना चाहिए, मरे और जिंदा का सब पैसा इनको चाहिए। ये गंगा घाट को फेल कर दिया उन वहाँ के लुटेरे जो हैं
पंडा लोग उनसे बड़े कफन पे भी ये नोच के बेच लेना चाहते हैं। लकड़ियाँ तक उस लाश की लकड़ियाँ तक बुझा के बेच के पैसा इनको भी चाहिए। ऐसे कमाने ऐसे हमारे भरे हैं महान तमाम तमाम भ्रष्टाचार इस विभाग में। बड़ा शर्म आती है कि इनका तनु भी हम दर्द नहीं है। उस बच्चे 9 साल को उसने क्या देखी दुनिया, पूरी तरीके दुनिया नहीं देखा। दुनिया देखने के पहले उसको पैसे के आगे उसको मौत का खेल खेला ये ओम प्रकाश यादव होमगार्ड, जिसको मौत के सौदागरों ने कमांडेंट और बीओ ने सौदा कर डाला। थू है ऐसे पैसे की ऐसे अधिकारी को। तो मेरा कहना है इस पे संज्ञान लिया जाए, और यदि संज्ञान नहीं तो मैं तो पूरा आरोप पत्र लगाया हूं और एक कमांडेंट को सिखा देंगे। आज साक्ष है पूरा, पूरा आरोप पत्र है, ये देखिए पूरा 150 तक पन्ना है इसमें। ये पूरा आरोप पत्र हाई कोर्ट लेके निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट तक इसमें कागज है, और इसके बावजूद उसको बहाल कर डाला। किस कानून के तहत इन्होंने, मैं पूछ रहा हूँ मंत्री महोदय से, प्रमुख सचिव जी से, डीजी साहब से, डीआईजी साहब से और प्रयागराज संतोष सोचारी से पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए ये कैसे बहाल किया गया, किस कानून के तहत बहाल किया गया। और उन 6 सालों को जवानों को जो बैठे हैं वो दौड़ रहे चक्कर, उनको क्यों नहीं बहाल किया गया। तो मेरा कहना है मेरे पास कागज अब आ गए हैं, और ड्यूटी का भी इन्होंने लगाया है वो भी आ गई है एनआईसी से जो ड्यूटी लगी है। अब भाग कहाँ जाओगे, इसके तहत मैं इनको कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दूंगा। अभी इस पे मैं सूचना से मांगने जा रहा हूँ, जवाब मांगता हूँ संतोष सुचारी से, जवाब मांगता हूँ मंडली कमांडेंट से, जवाब मांगता हूँ मैं कमांडेंट से, और जवाब मांगता हूँ डीजी साहब, प्रमुख सचिव और माननीय मंत्री जी से। ये बहुत हो गया, ये लगता है यही बार बार मैं कहता हूँ आवेतनिक वैतनिक का खाही जो है इसको समाप्त की जाए। होमगार्ड को जानते हैं जैसे पेड़ पर एक बेल होती है जिसकी जड़ नहीं, ना ये नर है, ना ये नारायण है, ना ये जिमी का है, ना ये आसमान का है। आखिर कहाँ क्या इसकी आधार है, किस कड़घरी में आता है होमगार्ड जवान। यही कारण है कहूँ ना होने के कारण जवानों का साथ अन्याय पर अन्याय हो रहा, लूट घसूट हो रही, मौत पर भी ये मतलब सौदा कर रहे हैं। और जब वो पूरा जीवन अपना सेवा दे के विभाग से जाता है तो एक आदेश भी शासनादेश है कि वो जवान को, चाहे महिला हो चाहे जवान हो, उसको बड़े सम्मान के साथ कमांडेंट स्वागत करते हुए करके भेजे घर उसके, तो कहीं नहीं आते, बल्कि लिख देते हैं इतना मिलता है कि 7 सज्जा दिया गया है ये वापस करिए वरना आपके पर कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। वो कार्य एसोसिएशन करना चालू कर दिया है। हम सम्मान साथ जो हमारे एसोसिएशन में जुड़े हैं उनका और जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका हम स्वागत समारोह बड़े सम्मान साथ उसको स्वागत करके घर भेजने का कार्य शुरू कर दिया, करते चले आ रहे हैं। तो हमारे पूरे प्रदेश, चाहे वो सदस्य हो, चाहे वो हमारे मेंबर है और चाहे पदाधिकारी है, हम चाहे महिला हो चाहे जवान है, उसको मैं बड़े सम्मान साथ उसको स्वागत करके घर भेजूंगा। और ये एक अगर आके हमारे ही ऑफिस पर हमारे ही लाए मीठा से एक लड्डू उठा के उसको खिला दें तो भी अच्छा लगे।
लेकिन नहीं, शर्म नहीं आती इस विभाग को, शर्म नहीं आती इस सरकार को, शर्म नहीं आती इस मंत्री को जो सेवा अच्छी देके जा रहे हैं, कुछ ना देके बल्कि उनका बचा वो जीवन कैसे बिताएंगे, ये सोचने वाली बातें सरकार को सोचना चाहिए। बल्कि उसको लूटा जा रहा, मीटिंग शासन स्तर करते हैं तो सिर्फ होम गार्ड का रास्ता निकालते हैं किधर से इस होम गार्ड को लूट लिया जाए। बल्कि दिया नहीं, दिया तो हमने लड़के लिया, कानून से लड़के लिया, यहाँ तक लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, तब जाके मजदूर का दर्द, जबकि पुलिस कांस्टेबल का आदेश है, फिर हमको जाना पड़ा हाईकोर्ट लखनऊ जो फाइनल स्टेज पर लगा हुआ है, जिसके रीट पटिशन 55/80/2021 है। अब थी 11 तारीख लगी थी, 11/10 दो नंबर से रहेगा ना, उसी दिन बाद ये हो केस हो गया होता, लेकिन अब इसका छुट्टी के बाद तत्काल फिर लगाता हूँ और हमारा जवान सोच नहीं रहा। लेकिन बैतनी कावेतनी जो लुटेरे हैं, कुछ दलाल हमारे होमगार्ड हैं, जो वो सब पूरे विभाग को दाग दाग किए, संसार वर्दी को किए हैं वर्दी, और ये जो चल रहा प्रचलन कि ब्लॉक स्तर से उस क्षेत्र में लगनी चाहिए, उसको उल्टा भेजा जा रहा, तमाम होमगार्ड परेशान। लेकिन हमारे होमगार्ड की भी गलती है, वो एसोसिएशन को लेके नहीं दे रहा, कुछ बताता नहीं है, नहीं तो इनको हम बता दें कि कानून क्या होता है और गलत करने का इल्जाम कैसे भुगतना पड़ता है। ये हमारे होमगार्डों को सोचना चाहिए कि अपनी एसोसिएशन को ताकतदार बनाए, जब हमारी एसोसिएशन मजबूत होगी तो आप भी मजबूत हैं, आप साथ गलत नहीं होगा। हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, तो विभाग एक तो कानून एक, सबको बराबरी का एक रूपता का आदेश है। फिर भी हमारे एक आवेतनिक एक वैतनिक है, वो चाहे जे लगा ले कैप नीली लगा लिया, कहाँ से आदेश है, एसोसिएशन अपनी गलत बना लिया, 25,000 का भी कास्ट करवाया है क्वार्टर पे, नहीं दे पाए हैं, और बैज यूपी या चेयरसेल लगा लिए, एक आईपीएस है, एक यूपीएससी है, इसमें कितने विभाग हो। यही कारण है कि होम गार्ड को का बिल्कुल वो जो वेतन में बढ़ा है वो कैसे ये छीन लें, उसकी जब तक थाली से भोजन नहीं कर लेते हैं तब तक उनकी आत्मा का संतोष नहीं, शांति नहीं मिलती है। ये पाते हैं, ये लगता है कि वेतन नहीं पाते हैं ये लोग, सिर्फ होमगार्ड लूटने के लिए छोड़ दिए गए। सरकार से एक बार नहीं अनेकों बार साथियों के साथ भेजा, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, साथ लेके नीचे से ऊपर तक सरकार तक बैठे सभी भ्रष्टाचारी इसमें लूटने घसोटने में उलझे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करने, क्योंकि खुद चोर हैं, खुद लुटेरे हैं, तो कार्रवाई किसके पर की जाए। अब हम जनसूचना से भ्रष्टाचार का मांगा है और अभी पहले भेजा था, अभी तक कार्रवाई से अवगत कराएं, वरना कोर्ट तक हम लेके जाएंगे, उन भ्रष्टाचार लखनऊ से आगरा तक छोड़ा नहीं जाएगा भ्रष्टाचारियों, उसमें सारे प्रूफ लगे हुए हैं जिसमें जांच हो रही, और जांच उन्हीं देते हैं, जिस होम गार्ड में ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिसके पर बड़ा से बड़ा जांच न चलती हो। अब मैं रिटायर्ड जज या कोई ईमानदार आईपीएस को दी जाए, अभी देखिए 99 चोर पकड़ जाएंगे होमगार्ड के अधिकारी। तो यही कारण है कि चोर चोर मौसा भाई, इसका जब तक माननीय मुख्यमंत्री से अपील है इसमें संज्ञान लें और इन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये मिर्जापुर कमांडेंट जो मौत पे सौदा किया है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और उस बीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई, इनके पर FIR होनी चाहिए और उनको तत्काल दूर किसी जिले में दोनों को भेजा जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे होमगार्ड समझ नहीं रहे, सोच नहीं रहे, जो हमदर्द है एसोसिएशन वहाँ आ नहीं रहे और उन लुटेरों के पास जा रहे, अपना कमाई गाड़ी का कमाई का पैसा उनका दे रहे हैं।
तो गलती होमगार्ड की भी है, ऐसा नहीं। और इतनी गंदी वर्दियाँ कुछ होमगार्ड पहन करते जो उनके पास बैठने का मन नहीं करता है, इस पे ध्यान नहीं है। और कहते हैं होमगार्ड विभाग को दाग दाग कर दिया, अरे सारे अधिकारी इस होमगार्ड विभाग को तार, इस वर्दी को तार तार संसार कर दिया। मैं इन्हीं बातों के साथ बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, कहूँगा, और जब तक ये भ्रष्टाचारियों को इनके अंजाम तक नहीं पहुँचा देंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय